नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त जेजेएन की टीम की मौजूदगी है हल्द्वानी के तपोवन कॉलोनी में, जहां बीते दिनों मूसलाधार बारिश के चलते तबाही का मंजर ग्राउंड जीरो से हमारी टीम ने आपको दिखाया था। एक बार फिर कल हल्द्वानी में भारी बारिश देखने को मिली। एक बार फिर हम यहाँ पे मौजूद हैं। तस्वीरें अगर मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जब बीते दिनों तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिला था, तब ये सुरक्षा की दीवार प्रशासन की ओर यहाँ पे बनाई गई थी, लेकिन बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते एक बार फिर जो दीवार है वो टूट चुकी है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि एक बार दीवार की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो सुरक्षा दीवार यहाँ पे बनाई गई थी वो पूरी तरह से यहाँ पर धराशाही हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेसीबी जो है वो सड़क खोलने में लगी हुई है। यहाँ पर अभी शाम का समय है, जो नगर निगम की टीम की ओर से यहाँ पर मलबा हटा दिया गया था, लेकिन सुबह की तस्वीरें जो थी वो काफ़ी डराने वाली थी, क्योंकि भारी मलबा यहाँ पर आया था। जिस तरह से सुरक्षा दीवार टूट गई थी तो सारा जो पानी है, सारा जो मलबा है, दोबारा से इन्हीं कॉलोनियों में घुस गया था, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची थी और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो सुबह से यहाँ पर लगे हुए हैं। भारी बारिश इस बार हल्द्वानी के लिए मुसीबत बनकर नज़र आई है। जिस तरह से भारी बारिश हल्द्वानी में देखने को मिली है, कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल है कि किस तरह से कब कोई अनहोनी हो जाए, क्योंकि सारा मलबा लोगों के घरों के अंदर घुस गया था, जिससे लोगों को दिक्कतें काफ़ी थी। प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा दीवार कुछ दिनों पहले यहाँ पे बनाई गई, उसका इस तरह से धराशाही होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है लोगों की जिंदगियों पर, क्योंकि तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर बसे हुए हैं। हज़ारों की संख्या में लोगों की आवाजाही यहाँ पर बनी रहती है। ऐसे में रात के समय जिस तरह से बारिश हुई और मलबा सारा लोगों की गलियों में घुस गया, उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। साथ ही नगर निगम के कर्मचारी जो सुबह से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे भी जानते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश लगी हुई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि दोबारा से स्थिति वैसी ना हो जाए, और चैन की नींद रात के समय ये लोग सो नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस समय बारिश होती है लोगों को ये देखना पड़ता है कि कब बारिश कम होगी, कहीं दोबारे से वही स्थिति एक बार फिर से पैदा ना हो जाए। अगर तस्वीरें आप देखें, पीछे देख सकते हैं, ये वही गाड़ियां हैं जो बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते मलबे की चपेट में आ गई थी। अभी नगर निगम की ओर से इनको बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जिस तरह से दोबारे भारी बारिश हुई, एक बार फिर से स्थिति उस तरह की बनने की आसार जो हैं लोगों की ओर से जताए जा रहे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना डर है, क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। नगर निगम के कर्मचारी से जानते हैं कितना काम अभी तक वो कर चुके हैं, कितना बाकी रह गया है, जिस तरह से बारिश हो रही है, क्या लगता है दोबारा से इस तरह की स्थिति बनती है या फिर नहीं। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? शुभम। नगर निगम से? हाँ जी। सुबह कितने बजे से काम कर रहे हैं? मॉर्निंग 8 बजे से आ गए थे। 8 बजे से आ गए, 5 बजने को आया? 5 बजने को आया, अभी छुट्टी नहीं हुई है। अभी खाना आया था निगम से, वही खाया सबने। ये मलबा आया हुआ था, ये पहाड़ फट गया था पिछली बार यहाँ पे। तो यहाँ पे जब सुबह आप लोग आए, स्थिति कैसी थी यहाँ? स्थिति ये पूरी भरी हुई थी, सब मट्टी से भरा हुआ था, आगे गली सब भरी हुई थी, पानी उनी रोड पे था, वही सब साफ सफाई चल रही है। अच्छा, इससे पहले भी स्थिति ऐसी थी? इससे पहले तो और खतरनाक थी। ये दोनों बसें दिख रही है, सब डूबी हुई थी, आधी आधी ढकी हुई थी मलबे से। अच्छा, तो अभी कुछ ही दिन पहले ये जो बसें हैं वो निकाली गई हैं, दोबारा से निकाली गई। दोनों बसें ढकी हुई थी, आधी आधी मट्टी से दबी हुई थी, अभी निकाली गई है। अब रात को पता नहीं, बारिश हो फिर ऐसी हो सकता है, बारिश का मौसम दोबारा हो रहा है, बारिश पड़ रही है दोबारा, कल फिर ऐसी हो सकता है, फिर ऐसी हो सकता है। वो जो दीवार जो बनाई गई थी, सुरक्षा दीवार जो बनाई गई थी, वो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है उससे, अभी मतलब पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। अच्छा जी, तो क्या अभी कहाँ तक काम पहुँचा है आप लोगों का? ये तो 2-3 बार हो गया है, फिर ऐसी हो जाता है, बारिश आती है फिर ऐसी हो जाता है। यहाँ पे हम 4थी बार आए हुए हैं काम करने, तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? अब वो तो हमारे अधिकारी लोग ही जाने, हम तो लेबर इंसान काम करने वाले। उन्होंने दीवार, सुरक्षा दीवार बनाई, लेकिन वो दोबारा से टूट गई, तो फिर बनेगी वो, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। पर जेसीबी क्या काम कर रही है? वो ऊपर रोड उड का काम चल रहा है, रोड उड सही कर रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं, जैसे कि स्थिति जो है वो सामान्य रहे। दीवार वाले का काम। भैया से बात करते हैं, भैया आपका नाम? कपिल। आप भी नगर निगम से? हाँ जी। सुबह से लगे हुए हैं, सुबह से बारिश हो रही है, दोबारा इस तरह की स्थिति बनने की आशंका है? हाँ होगी, अब शाम को रात को भी हमने काम करा था, रात को भी हो गया था, बाढ़ आई थी। हाँ जी, कल एक कार भी बह गई थी हेडिल पुलिया के पास, बच गए थे, लेकिन बहने से बच गई थी, डिवाइडर के चक्कर से वो बच गया था, वरना कल कार बजाई थी। उससे पहले भी एक बुलेट बही थी, हादसा हुआ था, लाल व्यक्ति की मौत, हाँ वो लाल कॉम में जाके उसकी बॉडी मिली थी। उसके बाद वो जो डिवाइडर है जो आप, उसके बाद भी 2 कार बहने से बची थी, एक कल रात की बात है, एक बार और है, वो भी बहने से बची थी, इसीलिए साइड में रेलिंग लगा रखी है वहाँ पे,
तो ये हर बारिश में ऐसी हाल है ये वाली कॉलोनी में इस साल इस तरह की स्थिति बनी है। इधर तो बहुत बुरा हाल हो जाता है हर साल। अच्छा, अभी यहाँ तीन चार बार आए हैं, पहले से भी काफी मतलब हुआ है, तो थोड़ा बहुत ठीक है। अगर रात बारिश आती है रात में तो फिर ऐसी हो जाता है, सारा मलबा ऊपर से नीचे के लिए आता है। मतलब पहाड़ों पे बारिश होती है तब यहाँ पे स्थिति जो है वो भयानक बनती है, सबसे ज्यादा यहीं पे खराब होता है स्थिति। चलिए भैया, सुबह से कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ पे पहुँचा है? हाँ, प्रशासन नहीं आए थे, नगर निगम से आए थे। कौन आया था नगर निगम से? तो एक तो हमारे जो वो हैं ठेकेदार, वो आए थे और उनके साथ एक जना और आया था। अभी लगभग कितना और समय लगेगा आप लोगों का काम खत्म होने में यहाँ पे? अभी तो अब तो छुट्टी होने वाली है, अच्छा। सुबह से जैसे बताया कि कुछ खाया पिया नहीं है आप लोगों ने? अभी तो खा लिया है, वैसे अभी नगर निगम से खाना आ गया था। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम दिलीप सिंह। कहाँ रहते हैं सर? मैं यहीं रहता हूँ, देखड़ी नाले के बगल में रहता हूँ, रॉयल बैंगट हॉल के बगल में, तीसरी गली में। अच्छा, कल जिस तरह से बारिश यहाँ पे देखने को मिली, तबाही का मंजर देखने को मिला, एक कार बहते बड़ा, बहते बहुत बड़ा, यानी कि मैंने तो बरसात में पहली बार ऐसी बारिश देखी, उसने पूरा नाले और पूरा बिकरा रूप ले लिया। इससे पहले एक 3 तारीख को हुआ था और एक 9 तारीख को हुआ था, जब वो घटना हुई थी, लड़का बह गया था वहाँ पे देवघड़िया नाले पे। उस दिन हमारे उधर से भी टूटने के बाद हमारे पूरा खेतों के नाले में कमर तक पानी बह गया था। उसके लिए हमने प्रशासन को भी लेटर दे रखा है, उप जिला अधिकारी को भी और नगर निगम को भी। मेरे पास भी कॉपी पड़ी है उनके, मेरे पास अभी भी रिसीविंग है, तो अभी भी अब ये देखिए, अब चल ही रहा है काम, अब देखो कब तक होता है, क्या होता है। ये तो ये अभी यहाँ पे तपोवन कॉलोनी में कार्य चल रहा है, आपके वहाँ कार्य हुआ बरसात के दौरान? अभी तो कार्य कुछ नहीं हुआ, खाली वो नाले का बस जहाँ से टूटा था वहाँ पे मिट्टी लगा दी गई, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी देखो आप सुनाई में आ रही कि नीचे तक है, अब देखो क्या होता है। मिट्टी लगा दी गई वो तो बारिश में बह जाएगी फिर? मैंने ये दोबारा बहेगी थी ना, 3 तारीख को लगाया, फिर 11 तारीख को बहेगी, फिर दोबारा बरसात में। हाँ, ये तो यहाँ से टूट गया, वही पानी वहाँ जाएगा तो टूटना ही टूटना है। अच्छा, क्योंकि इसकी चौड़ाई ऊपर ज्यादा है, नीचे तो कम है, टूटना ही है, जाहिर सी बात है। तो कल जिस तरह से मूसलाधार बारिश यहाँ पे हुई है, बारिश बहुत तेज बारिश, ऐसी बारिश तो मैंने बरसात में पहली बार देखी, बहुत तगड़ी बारिश हुई थी। इससे मैं समझ गया था कि यहाँ आया भी था मैं कल शाम को, यहाँ तो पूरा पानी वहीं भरा हुआ था, फिर वापस चले गया था। तो इसी साल देखने को मिली इस तरह की बारिश? इसी साल मैं देख रहा हूँ, मुझे भी 8-10 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, मुझे भी पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से नाला ऐसा लग रहा है कि गोला नदी बन गई है। तो जिस तरह से पूरा मलबा यहाँ तपोवन कॉलोनी में आ जाता है, आपके वहाँ भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है अगर कार्य नहीं होगा? हाँ, वही है, बिल्कुल वही है, कमर तक पानी है। मैंने दिखा दिया आपको, वीडियो भी दिखा दिया, अभी मेरे पास मोबाइल में वीडियो भी है, 3 तारीख और 11 तारीख का भी। आने वाले कल के दिन ऐसा हो सकता है कि ये प्रोसेस मतलब अच्छे ढंग से पक्का मरम्मत न किया जाए तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा हो सकता हानि। अभी जाने की तो हानि नहीं हुई है, अभी खाली नॉर्मली हुआ। आने वाले कल के दिन मुझे लगता है कि जब प्रशासन को इसका मरम्मत पक्का नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा होगा, आपको किसी को बिलीव नहीं होगा कि इतना तगड़ा होगा, पूछो मत, मुझे इतना पता है। ये जो नाला है ये आगे देवखड़ी में ही मिलता है? हाँ, देवखड़ी में मिलता है, क्योंकि देवखड़ी जो नाला है वहाँ पे ऊपर जाने वाला, एक्चुअली होता है कि यहाँ की 2 नाले आते हैं, वहाँ एक नाला यहाँ से आता है, एक नाला यहाँ से आता है, और उसकी जो नीचे की जो सुराग है, जो पुल की हाइट है, कम हो गई, उससे क्या ओवरफ्लो हो जाता है, उससे क्या लोगों के धीरे धीरे पानी जाता था, उससे वाला घर में पानी भर जाता है, उससे वो पुल भी ऊपर होनी है, ऊंचा होनी है, और एक मेन रोड मंदिर के बगल में जहाँ पे एक लड़का बह गया था, और एक देवघड़ी वाला अलग है जो बस्ती को जाता है, वो ट्यूबवेल वाली गली, वो 2 होने जोड़े हैं, तभी मतलब बस्ती को भी पूरा खतरा है। हाँ, उसमें घर में पानी चले गया था वहाँ लोगों का। लगभग कितनी आबादी होगी वहाँ पे? वहाँ पे कम से कम 1000 की तो होगी, हजारों की है, दोनों बीच में, दोनों नालों के बीच में से गुजर रही ना। तो रात को जब बारिश होती है तो किस तरह से आप लोग घर पे रहते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ मत महम आपको मैं बता रहा हूँ, जब 11 तारीख को हुआ था 11:00 में, तो मैंने 12 बजे बाद खाना खाया था, जब शांत हो गया था माहौल, उससे पहले मैं लेंटर में ही घूम रहा था, क्योंकि शॉप थी मेरे पास, शॉप क्लोज करके गया, तब तक देखा तो वहाँ पर इतना पानी था, पूछिए मत। जब वो पानी ख़त्म हुआ तब मैंने खाना खाया 12 बजे के बाद, क्योंकि 11 बजे की बात थी, 11 तारीख की डेट, और जो 3 तारीख का हुआ था वो हुआ था आपका 2 से 2:30 की रात के बीच। हालांकि सुबह आए थे पटवारी जी आए थे, और उसके बाद हमारे तहसीलदार भी आए थे, उनने मुआयना करा था। कल किस तरह की स्थिति थी आपके वहाँ? कल नॉर्मल था, क्योंकि यहाँ जो टूट गया पानी वहाँ आएगा, पानी आया नहीं। अच्छा, जाहिर सी बात है। अच्छा, तो पानी का जो फ्लो था वो कम हो गया, वहाँ आने का कोई नाम ही नहीं, जब यहाँ पे नहीं टूटता मान लीजिए, वहाँ आगे कोई ओवरफ्लो होता ऐसे टूट जाता, क्योंकि पानी तो इधर को आ गया ना सारा।
ये इसलिए वहाँ को नहीं आया। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह के हालात तपोवन कॉलोनी कृष्णा विहार में बने हुए थे। पहले भी हमने आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई, कर्मचारियों से हमने बात करी, कुछ लोगों से हमने बात करी, जाना किस तरह के हालात कल यहाँ पर देखने को मिले थे। हालांकि जेसीबी की ओर से सड़क खोदने का काम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं डर है कि अगर दोबारा सा बारिश हुई तो एक बार फिर से तबाही की तस्वीरें यहाँ से सामने आ सकती है। प्रशासन हालांकि अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से मूसलाधार बारिश हल्द्वानी में देखने को मिल रही है, लोगों को कहीं ना कहीं डर है कि कब क्या अनहोनी हो जाए। तो ग्राउंड जीरो से ये थी जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी संगीता के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।